कक्षा 10th स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3, हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? फर्स्ट पार्ट 3 क्वेश्चन का है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों का सम 90 है, इनमें से एक को चेंज करेगा, नीचे भी टोटल 90 है, इनमें से भी एक को चेंज किया जाएगा। तो चेंज कैसे होगा? इजिकल टू साइन को चेंज करते हैं, ऐसे स्क्वायर लिखो, एक को चेंज करते हैं हम 63 को, स्क्वायर यहाँ लिखो प्लस साइन स्क्वायर 27। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखने के बाद में क्या बच गया? 63 बच गया, नीचे में 73 को करेंगे, कोस स्क्वायर 17 प्लस ब्रैकेट कोस 73 का स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट में लिखा है 63 को 90 माइनस और 73 को भी 90 माइनस लिखना होगा, तो साइन 63 को लिखेंगे हम 90 माइनस 27 स्क्वायर, ऐसे ही सेकेंड टर्म ऐसे ही साइन स्क्वायर 27, फर्स्ट टर्म ऐसे ही सेकेंड टर्म को लिखना होगा कोस 90 माइनस 27। नेक्स्ट लाइन साइन चेंज हो जाएगा कोस में 90 माइनस ए वाला फॉर्मूले से, तो कोस 27 डिग्री स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही साइन स्क्वायर सेकेंड टर्म ऐसे लिखना हो, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस चेंज हो गया साइन में, साइन 27, ये भी 90 माइनस ए का फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद स्क्वायर बिग ब्रैकेट हटा दो, कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, ऐसे नीचे लिखो कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस साइन स्क्वायर 27, 17। अब ये फॉर्मूला आइडेंटिटी या फॉर्मूला बन गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, 1 अपॉन 1, 1 से 1 को डिवाइड करके 1 आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई हमारी 1। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 3 का, साइन 25 इंटू कोस 65 प्लस कोस 25 इंटू साइन 65। अब 25 और 65 है दोनों एंगल, तो मैं दोनों 65 को चेंज करूँगा, कैसे लिखना होगा? साइन 25 इंटू कोस 65 को क्या लिखा जा सकता है? 90 माइनस 25 लिखा जा सकता है, तो प्लस
कोस 25 इंटू साइन ब्रैकेट 90 माइनस 60। चाहो तुम कैपिटल बिग ब्रैकेट का यूज भी किया जा सकता है। 25 कोस 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला अलग बन जाता है, तो साइन 25 डिग्री इंटू कोस चेंज हो गया साइन 25 में, प्लस कोस 25, इसको तो हमने चेंज किया ही नहीं, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस 25 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई साइन की साइन से मल्टीप्लाई करी, साइन स्क्वायर एंगल का स्क्वायर मत लग जाना, प्लस ऐसे कोस से कोस की मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर 25, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी बन गई है, इन दोनों की वैल्यू 1 आ गई, तो सेकंड का वैल्यू 1 आया। अब क्वेश्चन नंबर 4, 4 में चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, दोनों में देखो, दोनों में 9 कॉमन है, 9 को कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचा, इधर तो sec स्क्वायर बचा, इधर बचा tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर और tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, 1 होती है, तो 9 वन जा 9, तो फर्स्ट में क्वेश्चन का बी आंसर 9 करेक्ट ऑप्शन है, जो ये मैंने सोल्व किया ये तुम्हारे उत्तर को जस्टिफाई करते हैं। अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है 1 प्लस 10 थीटा प्लस sec थीटा, ये पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस cos थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्या आएगा इसका सरलतम मान, सिंपलीफिकेशन क्या आएगा, 1 को 1 लिखो, tan को लिखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, थीटा इज दी एंगल, प्लस sec को लिखेंगे हम 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन 1 cot, जो sin की वैल्यू होती है उसको चेंज करके लिख दो, cos ऊपर लिखो और अपॉन में sin लिख दो, sec की cosec की वैल्यू होती है 1 अपॉन sin थीटा। अब पहले ब्रैकेट का एलसीएम लेते हैं, पहले ब्रैकेट में एलसीएम आ गया cos थीटा, 1 से डिवाइड करके cos थीटा आ गया, cos थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करके cos थीटा आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा cos से डिवाइड करके sin, sin प्लस 1, ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट का एलसीएम लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में आ गया sin थीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा प्लस, ये दोनों सेम आएंगे कोस थीटा माइनस 1, क्योंकि दोनों में साइन थीटा ही बनता है एलसीएम सेम। अब ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे से नीचे, तो ऊपर बन जाएगा कोस प्लस साइन, कोस प्लस साइन, एक बार प्लस है एक बार माइनस है 1 से पहले, तो ऊपर बनेगा कोस थीटा लिख लो या साइन थीटा लिख लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई होके आ जाएगी साइन और कोस की मल्टीप्लाई क्या आएगी,
कोसाइन ही आ जाएगी, और क्या होगा। अब ऊपर होल स्क्वायर खोलते हैं, ए प्लस बी के फॉर्म में है क्वेश्चन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस वन का स्क्वायर वन, ये स्क्वायर है ये बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, ये नीचे कुछ इससे ज़्यादा होता नहीं इसका, जो भी है वो ही लिखा जाएगा। ऊपर पहले दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वन हो गई, वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वन से वन कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या बचा टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बचा। अब नीचे तो एलसीएम सात सात आ रहा है, सात कोस थीटा दोनों से कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा दोनों कट गए, टू रह गया, और टू इसका ऑप्शन नंबर सी है इसका क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट, टू इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है सेक ए माइ प्लस टेन ए ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट वन माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सेक को लिखो वन अपॉन कोस ए, टेन को लिखो साइन ए अपॉन कोस ए, इसको चेंज नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको साइन कोस में चेंज कर दिया है, जो इसको हम चेंज करेंगे वन अपॉन सेक ही लिखा रहता है, न मल्टीप्लाई होगी न कुछ होगा, तो क्वेश्चन उलझ के रह जाएगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, इधर एलसीएम लेते हैं, कोस ए वन माइनस प्लस साइन ए आ गया इधर, क्योंकि दोनों का एलसीएम दोनों के नीचे कोस है, वन माइनस साइन ए इधर है ही, अपॉन वन लिख के क्रॉस अंश की अंश में कर देते हैं और हर के हर में कर देते हैं, तो ऊपर बन गया वन माइनस वन का स्क्वायर माइनस एक बार प्लस है एक बार माइनस है साइन ए का स्क्वायर अपॉन कोस ए, कोस की मल्टीप्लाई वन में की कोस ए आएगा, ऊपर क्या आ गया वन का स्क्वायर वन, और साइन का हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, आगे बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, इसके इक्वल कोस स्क्वायर होता है अपॉन कोस ए, कोस ए से इसकी पावर कट जाती है तो कोस ए हो जाता है। तो फोर्थ का थर्ड का आंसर कोस ए, यानी कि डी क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ठीक है। अब आगे हम फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट में है वन प्लस टेन स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है यानी कि फार्मूला है, वन प्लस कोट स्क्वायर ये भी फार्मूला है, तो ऊपर का फार्मूला क्या बना, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और वन प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर को हम वन अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को वन अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साइन वन के साथ में जाएगा कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन वन इंटू कोस स्क्वायर ए, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन होता है, तो इनके साथ में स्क्वायर है तो टेन के साथ में स्क्वायर होता है, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगले उसमें होगा।